तो चलिए बात करते हैं इस सीरियल उडारियां के बारे में। उडारियां में आखिरकार आसमा ने अपने घर वालों को सच बता ही दिया कि उसने एक नहीं बल्कि दो बेटियों को जन्म दिया था। एक बेटी जो थी वो मरी हुई हुई थी। यहां पर आपको बताते चले कि घर वाले ये सुनते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन तभी आलिया का दिमाग घूमता है और आलिया जो आज से 5 साल पहले उसने किया था वो सब उसके सामने आने लगता है। उसे एहसास होता है कि कहीं जो लड़की को पानी में फेंका गया था वो लड़की ही मेहर तो नहीं। अब ऐसे में वो उस गुंडे के पास जाती है जिस गुंडे को 5 साल पहले उसने सुपारी दी थी आसमा की बेटी को मारने की। तब वो बताता है कि वो लड़की, वो छोटी सी बच्ची को वो मार नहीं पाए थे। वो छोटी सी बच्ची जो है वो नदी में उसने फेंक दिए थे क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया था। तब यहाँ पर आलिया को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये लड़की यानी कि जो मेहर है वो किसी और की नहीं बल्कि वो तो आसमा और अरमान की ही बेटी है। अब ये सच जो है वो सामने आ जाएगा आसमा और अरमान के सामने और इसके बाद अरमान का गुस्सा फूट पड़ेगा। आज के एपिसोड में आलिया की होगी भयंकर पिटाई और ये पिटाई कोई और नहीं बल्कि करेगा अरमान। और इस पिटाई के बाद वो पूछेगा उससे हर कुछ, हर सवाल करेगा, उसका जवाब तो आलिया को देना ही पड़ेगा और आलिया सारा सच बता देगी और सामने आ जाएगा कि मेहर ही आसमा और अरमान की बेटी है। लेकिन आलिया जो कि दिल से बहुत बुरी है, आखिर उसका बुरापन सामने आएगा। वो एक बार फिर से आसमा और अरमान पर हमला करेगी। अब देखना दिलचस्प ये होता है कि क्या इस हमले में आसमा अरमान की हो जाएगी मौत और इसी तरीके से शो की कहानी का एंड होगा। वेल, जो भी होगा उसकी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।